फाइंड चार्ज ऑन दी कैपेसिटर्स एज शोन. तो तीन कैपेसिटर्स हैं, एक दो तीन, बीच में बैटरी है. बैटरी कहीं पर भी हो, उसका प्लस टर्मिनल तीनों के साथ कनेक्टेड है, माइनस तीनों के साथ कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वी, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका, इसका और इसका होगा. तो वी की वैल्यू सबकी क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम. क्लियर है यहाँ तक? तो वी सेम हो गया. तो आपको इंडिविजुअल चार्ज निकालना है तो बड़ा आसान है. कैसे? इसका चार्ज क्या है, सी वन वी, इसका चार्ज क्या है, सी टू वी, इसका चार्ज क्या है, सी थ्री वी. सही है? और अगर टोटल चार्ज निकालना है फिर आपको तीनों की क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. वी आपको पता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी करके आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. समझ में आ रहा है यहां तक टोटल चार्ज कैसे आएगा? पहले आप क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको वी से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक. इस क्वेश्चन को देखो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, सब्जेक्टिव शीट 12 में दो डाउट्स थे. बाद में करता हूँ क्लास के बाद. ओके सर. क्योंकि 12 शीट मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करनी, वो अलग अलग से करूंगा जिसने की है. तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2. देखो, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है सी वन सी टू. आपको पहले केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है. साफ पता लग रहा है कि सी वन बाय सी वन इज सी टू बाय सी टू. तो ये क्या बनेगा, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. अब कोई कहता है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बना, बीच का कैपेसिटर तो है ही नहीं. भाई अगर तुम लगाओ या ना लगाओ फर्क क्या पड़ रहा है, अगर वो बैलेंस्ड है, अगर लगा भी लोगे कोई भी कैपेसिटर, ये वायर तो उड़ ही जाएगी, तो इसलिए इसको उड़ा दो. अब C1 किस में हो जाएंगे सीरीज, C2 किस में हो जाएंगे सीरीज, और जो आंसर आएगा आपस में पैरेलल. डन. सेम क्वेश्चन इसमें, C1 by C1 C2 by C2 एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, C1 by C1 C2 by C2 एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो यहां पे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, और सब पैरेलल. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. ये हमने सब्जेक्टिव में किया हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 आर केप्ट सेपरेटेड. वॉट आर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज. एक आइसोलेटेड स्फीयर हो गया, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, 4 pi epsilon naught R1, और इसकी कितनी है, 4 pi epsilon naught R2. ये तो अलग अलग आंसर लिखना है आपने. वो कह रहे हैं इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक मेटल वायर के साथ. तो अगर मान लो एक पे पोटेंशियल V1, एक पे V2, तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल में अब ये कैपेसिटर किस में कनेक्टेड रहेंगे, इन पैरेलल. तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, C1 plus C2, ऐड करके आंसर आ गया. ठीक है यहाँ तक?
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Each of capacitors shown in the figure has a capacitance of 2 microfarad. Find equivalent capacitance of the assembly between points A and B. तो A और B है, आपको equivalent capacitance. आसान क्वेश्चन है, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, और ये क्या आएगा? C by 3, C by 3, C by 3, और पैरेलल में आंसर आ जाएगा 2. एक चीज, दूसरा, suppose a battery of EMF 60 volt is अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 60 वोल्ट अप्लाई किया। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इंडिविजुअल कैपेसिटर का। सबसे पहले एक बात बताओ, क्योंकि ये सी बाई थ्री सी बाई थ्री सी बाई थ्री, ये तीन कैपेसिटर्स हैं सी बाई थ्री सी बाई थ्री सी बाई थ्री, ये आपस में किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। और ये कितने वोल्ट है? 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है पैरेलल में। ये कितना रहेगा? 60 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, और ये 60 वोल्ट है, 60-60 वोल्ट है। डाउट इसमें? अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है? अगर ये 60 वोल्ट है तो ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो 60 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा तीनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में 20, 20 एंड 20, तो हर कैपेसिटर पे कितने वोल्ट है? 20 वोल्ट है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी। तो कह रहे हैं एक रिक्वायरमेंट है, मुझे 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए और जो 200 वोल्ट को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जो अगर छोटा कैपेसिटर है और उसकी लिमिट अगर 10 वोल्ट है, आपने 500 वोल्ट लगा दिया उड़ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा काम। तो आप एक कैपेसिटी के साथ काम करते हो उसकी, तो वो कह रहा है कि मुझे 10 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट पे चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड आर अवेलेबल। कह रहे मार्केट जाओ कैपेसिटर लेके आओ, तो आपको 10 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर अवेलेबल हैं। तो आप तो खुश हो गए, आपने कहा ठीक है बन गया 10, एक कैपेसिटर ले लिया आंसर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो कितना विदस्टैंड कर सकता है? वी 50, पर आपको कितना करवाना है? 200। तो एक कैपेसिटर से बात बनेगी नहीं, तो अब आपको ज्यादा कैपेसिटर लेने पड़ेंगे जो कितने वी को सपोर्ट कर सके? 200। तो किसी ने क्या मुझे सजेशन दिया, एक काम करो आप 4 कैपेसिटर्स को सीरीज में ले लो। मैंने कहा वो क्यों? वो कहा देखो 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, कुल मिला के कितना हो गया? 200 वोल्ट। 50 50 50 सीरीज में वी ऐड होता है ना, तो 200 वोल्ट हो गया। पर मैंने कहा एक प्रॉब्लम है, अगर मैं 4 कैपेसिटर सीरीज में लेता हूं 10 10 10 10 माइक्रोफेरेड के, तो प्रॉब्लम यह है कि उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2.5 रह जाएगी और मुझे कितनी चाहिए? 10। तो फिर क्या दिमाग लगाया कि 4 4 4 के और पेयर ले लो, लेकिन पैरेलल में ले लो। वो क्यों?
क्योंकि अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2.5 है, इसकी 2.5 है, इसकी 2.5 है और इसकी भी 2.5 है, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई वापस से? 10। तो चार सीरीज में लगाओ और चार पैरेलल में लगाओ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 आ गई और वी का काम भी चल गया। कैसे? क्योंकि 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 50 200 वोल्ट और पैरेलल में वी की वैल्यू रिमेंस सेम, तो ये 200 वोल्ट की बैटरी सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे और टोटल कैपेसिटेंस क्या देंगे? 10। तो समझ में आ रहा है, टोटल हिट एंड ट्रायल है, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो आपको ये थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे सीरीज में लगाऊं और कैसे पैरेलल में लगाऊं ताकि मेरा आंसर 10 ही रहे। कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे फिक्स आंसर, मैं आपको बताऊंगा ऐसा कर लेना आपका आंसर एन, ये पता लग जाएगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम एक और तरीके से भी आती है, वो आपको क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दे देगा, टोटल दे देगा कैपेसिटर्स, उसमें से कहेगा कि मान लो चार, मान लो टोटल 16 दे दिया उसने, वो कहेगा कि चार कैपेसिटर सीरीज में है, तो ऑब्वियसली यार n इंटू एम इज इक्वल टू 16, क्योंकि ग्रिड बना हुआ है n इंटू एम, ये मान लो n है, ये m है, m रोज है 16, तो अगर ये चार है तो बाकी भी चार है। ये तो आसान क्वेश्चन है, उल्टा पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसे। ये किया हुआ है हमने, ये भी किया हुआ है वैसे तो, ये दोनों किसमें इन सीरीज, ये दोनों किसमें इन सीरीज, और जो आंसर आएगा ये तीनों किसमें हो जाएंगे इन पैरेलल। दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है पर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 100 पीको फेरेड, तो 100 पीको फेरेड 10 की पावर माइनस 12 फेरेड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट, 24 वोल्ट की इस पे चार्ज जो है पोटेंशियल गिवन है। इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 20 पीको फेरेड, तो 20 पीको फेरेड के साथ कनेक्ट कर दिया, अनचार्ज्ड है तो C2 पता है, Q2 पता है, और जो पहला कैपेसिटर है उसका ये 100 पता है और V पता है, तो मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया। तो अब क्या क्वेश्चन बन गया, पहले कैपेसिटर का चार्ज निकाल लिया C1 पता है, दूसरे कैपेसिटर का C2 पता है, चार्ज 0 है। इन दोनों को अगर कनेक्ट किया वायर के साथ तो दे विल अटेम ए कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1+C2V2/C1+C2 या Q1+Q2/C1+C2, तो Q1 Q2 की वैल्यू ये रही और C1 C2 की वैल्यू ये रही, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, कॉमन पोटेंशियल की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, ईच कैपेसिटर इन अ फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड और ईएमएफ 50 वोल्ट की हमने इसमें अप्लाई की, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। तो क्वेश्चन है कि एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, यहाँ से एक ये कैपेसिटर है और ये शॉर्ट सर्किट कर रखे है, आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा शॉर्ट सर्किटिंग का। तो ये शॉर्ट सर्किट तब काम करेगा जब बीच में एक स्विच है, तो ये स्विच अगर ऑन कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट ऑन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और बैटरी कितने वोल्ट की है, 50 वोल्ट की बैटरी है। तो ये सी सी और सी है, राइट। रूल नंबर वन, जब ये ओपन है तो इसका कोई काम नहीं है। तो ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, जो आंसर आएगा सी के साथ इन सीरीज। तो ये 2C, ये C, 2C और C सीरीज में तो क्या आएगा, 2C by 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। V आपको पता है, तो आप यहाँ से क्या लगाएंगे, यहाँ से चार्ज या चार्ज निकाल लेना, Q is equal to C into V, यहाँ से Q is equal to C into V, C आपको पता है पुट करके चार्ज आ गया। यानी कि पहले बैटरी ने इन तीन कैपेसिटर्स को कितना चार्ज दिया, इतना चार्ज दिया, ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या किया, इन्हें ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चार्ज तो होगा ही नहीं। अब ये दो रह गए कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C, V से मल्टीप्लाई किया, चार्ज आ गया। यानी कि पहले चार्ज कम था तीन कैपेसिटर्स में टोटल, अब चार्ज ज्यादा, किसने दिया, बैटरी ने, किसके थ्रू दिया, वायर ए बी के थ्रू दिया, दोनों के चार्ज का डिफरेंस ले लो, उतना चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो जाएगा। आंसर, पहले इनिशियल चार्ज निकाल दिया, फिर फाइनल चार्ज निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, चार्ज फ्लो आ गया, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। कैसे डिफरेंस क्यों लिया? देखो पहले ये तीन कैपेसिटर एक्टिव थे, इन पे इतना चार्ज था, यस सर। अब ये हट गया तो अब बैटरी के ने इतना चार्ज देना है, यस सर। ज्यादा चार्ज देना है ना, यस सर। तो कितना एक्स्ट्रा देना है, इन्हें माइनस कर लें सर, पर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थोड़ा बोलूं, तो इससे भी बोले मतलब पूरा चार्ज तो पूरा ही चार्ज आएगा ना, ये सर। स्विच को क्लोज किया ना, क्वेश्चन में गिवन है स्विच क्लोज किया, यस सर। स्विच क्लोज करके फिर ये बैटरी एक्टिव हो गई ना फिर से, यस। ओके सर, इस ये फिर से डायग्राम दो, बैटरी फिर से लेके आओ, तीन कैपेसिटर को बताओ टोटल चार्ज कितना दिया, ये तो नहीं कहा ना। स्विच ऑफ और स्विच ऑन में क्या डिफरेंस है ये बताना है, उतना बैटरी चार्ज दे देगी एक्स्ट्रा। ओके सर। हाँ, मतलब चार्ज तो पहले भी दे रखे तीन कैपेसिटर को, पर स्विच ऑन करने के बाद अब कितना चार्ज फ्लो करेगा ये बताना है। अगर मैं स्विच ऑन नहीं करूंगा फिर तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, ऑन करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ऐसे है। तो ये क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है, पार्टिकल पी एज शोन इन द फिगर हैज अ मास ऑफ 10 मिलीग्राम। तो ये पार्टिकल पी है, ये डॉट, इसका मास आपको गिवन है और चार्ज इस पे नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ईच प्लेट हैज सरफेस एरिया ऑफ 100। चलो प्लेट का एरिया गिवन है ऑन वन साइड। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो ये बैटरी पे कितना वी लगाया जाए ताकि पार्टिकल पी प्लेट्स के बीच में हवा में इक्विलिब्रियम में रहे। और ये पार्टिकल पी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। पार्टिकल पी का अलग चार्ज है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का अलग चार्ज है। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का चार्ज मुझे नहीं गिवन, पर हाँ पार्टिकल पी का मुझे गिवन। तो अगर मैं इस कैपेसिटर को अलग बना लूं, ये पार्टिकल पी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्यों नीचे गिरेगा? अपने वेट की वजह से mg। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर, जो इसको बचाएगी, क्योंकि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करता है? इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर फोर्स ऊपर लगाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे का मतलब ये प्लेट क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और ये क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। और ऐसा ही तो है, ये बैटरी है प्लस माइनस, तो ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। तो बिल्कुल सही, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ। और वेट क्या है? mg। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो इस केस में mg इज इक्वल टू qa। इस केस में mg किसके इक्वल है? qa। अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल पी नीचे ना गिरे, ठीक है यहां तक? पहला स्टेप क्लियर है ना? नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल पी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव ऑपोजिट करता है, ठीक है? तो mg इज इक्वल टू qe की इक्वेशन से स्टार्टिंग होगी। पर मुझे को तो v निकालना है। अब मुझे एक चीज पता है, ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल ही लोगे, C1, C2। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, तो ये बताओ कि कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज क्या आएगा? मान लो क्यू डैश आएगा, क्या होगा? जो भी सी इक्विवेलेंट आया, इसको वी से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज आ जाएगा क्यू डैश, पार्टिकल का चार्ज क्यू अलग है। पार्टिकल का चार्ज क्यू है, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर क्यू डैश है, राइट? तो क्यू डैश तो निकाल ही लोगे, पर क्यू डैश निकलेगा इन टर्म्स ऑफ वी, क्योंकि वी तो मुझे पता नहीं, ठीक? अब इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज ऑफ कैपेसिटर बाय एरिया, और चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या है? क्यू डैश। और पॉइंट चार्ज पी के ऊपर चार्ज है क्यू, अलग अलग चार्जेस हैं, तो क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे? सी इक्विवेलेंट इनटू वी। तो यहां से एम पता है, जी पता है, क्यू पॉइंट चार्ज पता है, इसका मैग्नीट्यूड, सी इक्विवेलेंट पता है, वी निकालना है, एरिया पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, वी आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन तो खैर बड़ी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किसको किसके साथ इक्वेट करके करना है। ऑनलाइन क्लियर है? ठीक है, आइडिया क्लियर है कि कैसे? देखो आधा पार्ट तो वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, फोर्स वाला। ऐसे क्वेश्चन कितने किए थे? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बस फर्क यह है कि ये पोर्शन अब हमने प्लेट ऑफ कैपेसिटर में फिट कर दिया, तो इसमें आधा काम कैपेसिटर कर रहे हैं और आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं, दोनों चैप्टर्स को मिक्स कर दिया। अब एक पॉइंट को समझते हैं कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है प्लस एंड माइनस, और आप एक इलेक्ट्रॉन को या पॉजिटिव चार्ज को सीधा प्रोजेक्ट करते हुए एक्सिस के ऊपर सेंट्रल लाइन के ऊपर फेंकते हैं, फेंका तो आपने सीधा था, तो ये सीधा जाएगा, लेकिन पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगी? अट्रैक्ट। तो इसका जो पाथ होगा, हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर करवाते हैं तो पार्टिकल कैसे मूव करता है ना? पैराबोला। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी आपने दी और अट्रैक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये पैराबोलिक पाथ है। तो अगर ये विड्थ इसकी a है, a डिस्टेंस को कवर करता है हॉरिजॉन्टल में, और उसको बाहर निकलना है इस प्लेट से बिना टच करते हुए, तो इसकी
वर्टिकल हाइट क्या होनी चाहिए, d बाई टू। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होना चाहिए a, और वर्टिकल क्या होना चाहिए d बाई टू। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, मैंने उल्टा बना दिया, इट शुड बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा है ये, इसको नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्शन है इसमें, तो ये गलत बन गया, इट शुड बी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। अब जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, हमने थ्योरी में की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टल की तरह काम करते हैं। कैसे, जब एक्स एक्सिस की इक्वेशन लगती है तो क्या लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह क्या आएगा ए, वेलोसिटी यू, और टी टाइम में ये बाहर निकल गया, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाई जाए तो वाई एक्सिस की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वाई एक्सिस में अप्लाई किया एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह डी बाई टू, क्योंकि वाई एक्सिस में डी बाई टू हाइट कवर होनी है। जीरो प्लस हाफ इन टू एक्सेलेरेशन की जगह क्यू बाय एम और इन टू टी स्क्वायर, इस टी को उठाकर यहां से यहां पुट कर दिया तो ये इक्वेशन आएगी। फिर इसका करना क्या है, कैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको देखने के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोथ दी कैपेसिटर्स एज शोन, तो ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, तो दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, हैज अ आर मेड अप ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए, मतलब जो प्लेट्स हैं इसकी ये वाली बाहर निकाल लो तो ऐसे दिखेंगी, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और इसकी शेप स्क्वायर है, तो ये ए बाई ए का स्क्वायर है, तो ऐसे है ए कैपेसिटर, ऐसी दूसरा कैपेसिटर, तो साइड इसकी ए है, ये डी वन है और ये D2 है। क्वेश्चन है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मैंने इसको V ले लिया, इसको 0 लिया,
जीरो का मतलब नेगेटिव प्लेट है, वी का मतलब पॉजिटिव प्लेट है। मैंने इसलिए ये पॉजिटिव लिया और वी लिया, नीचे वाला वी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो प्लेट को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो इसलिए वी ले लिया। ठीक, तो वी ले लिया, ये देखो यहां पर। और इस केस में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कहां से प्रोजेक्ट किया, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द अपर कैपेसिटर। बिटवीन का मतलब अगर ये डी वन है तो आधा कितना है, डी वन बाय टू, डी वन बाय टू। तो अगर ये डी वन है तो आधा कितना है, डी वन बाय टू, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। विद वॉट मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विद एनी प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी से यहां फेंका जाए ताकि ये इसकी टक्कर यहां पर ना हो। ठीक, तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उल्टा बन गया यार, नेगेटिव पॉजिटिव नीचे होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है। तो इस केस में वही सेम स्टोरी है कि ये ऐसे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस में उसने डिस्टेंस क्या कवर किया, ए, विद अ वेलोसिटी ऑफ यू इन टाइम टी, और वाई एक्सिस में क्या डिस्टेंस कवर करना है, डी वन बाई टू। तो डी वन बाई टू हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टी स्क्वायर, टाइम को यहां पुट किया तो ये टर्म आ गया, एक्सेलेरेशन का क्यू बाय एम। अब चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वन, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टू, एड करके सी इक्विवेलेंट आ गया। सी इक्विवेलेंट को वी से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो चार्ज की जगह क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, और सी इक्विवेलेंट की जगह, इसमें सी इक्विवेलेंट की जगह आप निकाल चुके हो, ये देखो यहाँ किया हुआ है, ये सी इक्विवेलेंट है और चार्ज सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो एक काम करते हैं, सी इक्विवेलेंट को यहाँ पुट कर दिया और वी इंटू ई बाई एम इंटू ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, एरिया ए स्क्वायर है प्लेट का, चार्ज क्या है, सी इक्विवेलेंट इनटू वी। तो यहाँ पे सॉल्व करके यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन तो इतना बड़ा नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल जैसे कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। एनसीईआरटी में इसका छोटा वर्जन देखने को मिलता है कुछ ऐसा, बस इतना ऐसा कुछ ना कुछ देखने को बोलेगा। हो सकता है आपको ये फिगर दिखा के यही पूछ ले कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करूंगा तो पाथ फॉलोड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या 180 डिग्री वापस आ गया या पैराबोला या क्या बनेगा, ऐसा भी आ सकता है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आ ही सकता है।